अजोके समय विच जिथे लोका वालों नव जमिया बच्चियां नू लवारिस सुट दिता जांदा है, उत्थे ही इन्हां लवारिस बच्चियां दे पालन पोषण लई जिला श्री मुक्तसर साहिब दे मनुखता बाल आश्रम दे वालों सारे सिविल हस्पतालां दे गेट उत्ते मनुखता बाल पंगूड़े लगाए गए हन। इस दे चलदे सिविल हस्पताल दे अगे एक बाल पंगूड़ा लगाया गया, जिसका उद्घाटन मलोट सिविल हस्पताल दे सीनियर मेडिकल अफसर गुरचरण सिंह ने किया। उन्हां दे नाल समाज सेवी संस्था दे जिले कोआर्डिनेटर सुखदेव सिंह गिल मौजूद सन। इस मौके डॉक्टर सुखदेव सिंह गिल ने दस्या कि इस बाल पंगूड़े दी बहुत ज्यादा जरूरत सी, जो लोग लड़कियां नू जन्म दिंदे ही मार दिंदे हन, जिस करके लड़कियां दी गिनती दिनों दिन घट हुंदी जा रही है, इसलिए बाल पंगूड़ा लगाया गया है। लोग लड़कियां नू मारन दी बजाय इस विच पा सकदे हन। मैं डॉक्टर सुखदेव सिंह गिल, जिला कोऑर्डिनेटर, सुवासी थावा ते धार्मिक जथेबंदियां श्री मुक्तसर साहब। की कहना चाहोगे वी जिहड़ा अज सेवा हस्पताल मरोड़ दे विच पंगूड़ा लग्या है, किस तरह दी जरूरत सीगी? मैं दसना चाहुंदा हां कि साडे जिले दी समाज सेवी संस्था मानता फाउंडेशन समाजी संस्था जिला श्री मुक्तसर साहब वालों अज विशेष तौर पर मानता बाल आश्रम का जो इतने जिला मलोट सिविल हस्पताल के उद्घाटन किया गया है, इसकी बड़ी वड्डी लोड़ सी, क्योंकि सारा जिले के जिला श्री मुक्तसर साहब सिविल हस्पताल पहला ही है बाल आश्रम जिहड़ा है मानता बाल आश्रम चल रहा है, और गिदड़वा भी अजे इसकी शुरुआत कर दी गई है और मलोट भी इसकी शुरुआत कर दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कई बार लोग लड़कियां नू पैदा होने तो रोकते हैं या उन्होंने आत्महत्या कर उन्होंने मौत कर देंगे, जिस करके लोगों के जी लड़कियों की रेशो बड़ी वही घट रही है। सो मैं आप जिला श्री मुक्तसर साहब के समूह संगतों को अपील करांगा कि अव्वल तो असी लड़की नू ना मारिए, अगर जेकर किसी ने लड़की नू फिर भी नहीं रखना तो इस पंगूड़े के पा सकते हैं, और उसके किसी तरह की जी कानूनी कार्रवाई है जिहड़े पंगूड़ा है जी वो अनचाहियां जे पेरेंट्स आपके बच्चियों नू या बच्चियों नू नहीं संभाल सकते किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है बच्चे की परवरिश करने विच, तो बच्चे नू इस पंगूड़े विच पा सकते हैं। अगे उस बच्चे नू कानूनी तौर पर गोदवान की प्रक्रिया शुरू की जाती है जी, इस सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स एजेंसी के थ्रू की जाती है। नहीं जी ऐदा का नहीं है जी, यही किसी होर द्वारा ही प्रक्रिया शुरू की गई है जी, जिहड़े भी बच्चे इस पंगूड़े में आते हैं उनका नाम पता सारा कुछ गुप्त रखा जाता है, तो जिहड़े बच्चे नूं पान वाले पेरेंट्स हैं उन्होंने खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती जी। अज सरकारी हस्पताल मलोट के विखे मानवता फाउंडेशन वालों लगाए गए मानवता पंगूड़ा सेवा का रस्मी उद्घाटन जिहड़ा मानयोग SMO साहब ने ते डॉक्टर शिवानी नागपाल जिला बाल सुरक्षा अफसर ते बाकी गैर सरकारी समाज सेवी संस्थावां दे नाल मिल के किया गया हैगा। यह पंगूड़ा सेवा दा जो इत्थे क्रैडल पंगूड़ा लगाया गया है, इस विच कोई भी व्यक्ति कोई भी परिवार जिन्हां नूं लगता है कि वह अपने बच्चे नूं पाल नहीं सकते, कोई अनगोलिया होया कोई अनाथ बेसहारा बच्चा, तो उस बच्चे नूं वो किसी भी टाइम इस पंगूड़े में आके पा सकते हैं, और इस पंगूड़े के नाल ही सज्जे हथ एक बैल लगी हुई है, जो बच्चा तुसी इहदे विच पा देना है तो नाल जिहड़ी बैल लगी है उसनों दबा देना है। ये बैल असी सिविल हस्पताल के 24 आवर एमरजेंसी के नाल कनैक्ट की है, उस वेले उत्थों स्टाफ ने आके वह बच्चे नूं लै जाना है, तो उस बच्चे की जिहड़ी है देखभाल हो जानी है, और बच्चा फिर जिहड़ा हैगा मानवता फाउंडेशन वालों चलाए जा रहे मानवता बाल आश्रम च मुक्तसर दे विच पहुँच जाना है, और सरकारी निजमां दे मुताबक कारा दे थ्रू वह बच्चा जिहड़ा हैगा गोद दिता जाना हैगा, उस तो बाद वह बच्चे की जिहड़ी जिंदगी जिहड़ी है सवर जानी हैगी है। अज मैं अपील करूँगा मलोट वासियां नूं कि इस पंगूड़े दे विच तुसी जिहड़ा भी बच्चा इत्थे कोई पाओगे जिहड़ा तुहानूं नहीं चाहीदा उसका भविख जिहड़ा बिल्कुल सुरक्षित रहूगा। तुसी अपने अनगोले अनचाहे बच्चों कूड़े करकट विच सिटन की बजाए असुरक्षित थावां सिटन की बजाए उन्होंने पेट के मारन की बजाए तुसी इस पंगूड़ा सेवा दे विच पाओ, इस नाल तुसी एक तो पाप दे भागी नहीं बनोगे बल्कि उस बच्चे की जिंदगी बचा के किसी ऐसे परिवार को उन्हें गोद में दे के तुसी पुन्न दे भागी बनोगे, पाप तो तुहाडा बचा हो जाएगा। सो वध तो वध इस दा प्रचार किया जाए, इत्थे कोई भी बच्चा पा सकता है, किसी किस्म की जिहड़ी मनाही नहीं हैगी, और उस बच्चे की माँ बाप की पान वाले की कोई छानबीन नहीं की जानी, कोई किसी तरह का उनका पता नहीं किया जाना, उसका खुला अधिकार है अपना बच्चा इत्थे पा सकता है, और उस बच्चे नूं जिहड़ा हैगा असी संभाल लेना हुंदा है। बहुत बहुत
इस बारे है कि बनिया पहला तो होया सी लेकिन कोरोना महामारी करके 6 महीने का इसका जोड़ा वो लेट हो गया। अज रस्मी उद्घाटन जोड़ा है वो अज करवाया गया है। इसकी जी एक बच्ची पहला ऑलरेडी बच्चे आ चुकी है और वह भी नियमों के मुताबिक जोड़ा बच्ची जोड़ा गोद भी दिता जा चुका है, लेकिन कोरोना करके रस्मी उद्घाटन नहीं हो सकता सी वो अज असी किया है, तो असी बेनती की है। प्राइम उदे लई मुक्तसर तो सोनू खेड़ा की रिपोर्ट।